दोस्तों, क्या आप अपनी व्हाट्सएप से पूरी तरह से ऑफलाइन होना चाहते हैं? अगर आप ऐसा सेटिंग करना चाहते हैं कि जब भी कोई मैसेज करे तो उसके फोन में सिर्फ सिंगल टिक ही लगे, साथ ही आप ऑनलाइन भी रहें, अगर हाँ तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि ऑनलाइन होते हुए भी हम कैसे ऑफलाइन दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हम अपनी व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और दोस्तों यहाँ पे अगर कोई मैसेज करेगा तो उसके फोन में सिर्फ सिंगल टिक लगेगा, लेकिन दोस्तों हम ऑनलाइन भी रहेंगे। मतलब कि दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम अपनी फोन से अपनी व्हाट्सएप की इंटरनेट कनेक्शन को ही काट देंगे। अगर हमारी व्हाट्सएप को इंटरनेट ही नहीं मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति मैसेज करेगा तो उसके फोन में सिर्फ सिंगल टिक लगेगा, साथ ही हम अपने दूसरे अदर ऐप को यहाँ से यूज भी कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप का ही इंटरनेट काट देंगे। तो ऐसा आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा और सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का। हो सकता है आपके फोन में यहाँ पे मैनेज ऐप लिखा हुआ आए, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा एप्स पे, देन आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे मैनेज ऐप। दोस्तों, अब यहाँ पे आपके फोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड होते हैं वो सब के सब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ढूंढना होगा व्हाट्सएप को। अगर यहाँ पे ढूंढने से नहीं मिला तो यहाँ पे आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन ऑन है, यहाँ पे आप इस दोनों ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा ओके, और यहाँ से अब आप आ जाइएगा बैक। अब दोस्तों इस तरह की सेटिंग कर देने से क्या होगा कि आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहेगा, लेकिन सिर्फ ये जो एप्स है व्हाट्सएप, ये इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जिससे कोई भी व्यक्ति मैसेज करेगा तो उसके फोन में सिर्फ सिंगल टिक लगेगा, साथ ही यहाँ से आप दूसरे ऐप को यूज कर पाएंगे, उस ऐप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बाद में कभी आप अपने व्हाट्सएप को इंटरनेट एक्सेस देना चाहें तो फिर आप उसी तरह से सेटिंग में जाके आप उस ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा, तो फिर आपकी व्हाट्सएप इंटरनेट एक्सेस करने लगेगा, फिर आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।